is on the basis of chemical composition. ठीक है जी, तो इसीलिए आप हेडिंग लिख लिए. सो द हेडिंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कॉम्पोजिशन. ये हम लोग जैसे कार्बोहाइड्रेट में किए थे वैसे इधर भी होगा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कॉम्पोजिशन. ओके, सो दे आर ऑफ थ्री टाइप्स. ओके, दे आर ऑफ थ्री टाइप्स. कौन सा? सिंपल, सेकेंड इज कंपाउंड और कॉन्जुगेट, and third is derived. okay, derived proteins. ठीक है, तो ये आपके तीन अलग अलग तरीके के proteins हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, so now first we will discuss what is simple proteins. okay, तो इसमें हम लोग A discuss करते हैं. तो A is सिंपल प्रोटीन्स. ओके, नाउ सिंपल प्रोटीन्स में हम लोग क्या देखेंगे? ओके, नाउ उसमें हम लोग देखेंगे कि दीज आर दोज प्रोटीन्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली अमीनो एसिड्स. ठीक है, इसमें और कोई भी कॉन्टेमिनेशन नहीं होता है. ठीक है जी, सो दीज आर प्रोटीन्स विच आर मेड only of amino acids. okay, तो इसीलिए हम लोग इधर लिखेंगे, तो these are formed of amino acids only. okay, and on hydrolysis yield only amino acids. समझे? तो ये बने हैं आपके amino acids से, तो टूटने से क्या देंगे? amino acids. Fine. So there is no other compound or element. इसमें कोई भी अदर चीज नहीं होता है. तो इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा एल्ब्यूमिन. ओके, डू यू नो व्हाट इज एल्ब्यूमिन? बोलो. जो अंडे का व्हाइट. ओके, ओके, एल्ब्यूमिन्स ग्लोब्यूलिन्स ऑफ सेरम. सेरम क्या होता है? ब्लड में. ओके, एग एंड मिल्क. प्रोटामिन्स ऑफ स्पर्म. हिस्टोन्स. ओके, तो ये हिस्टोन हो गया, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन. ठीक है, तो ये सब जो है, फाइन, तो एल्ब्यूमिन्स हो गया, ग्लोब्यूलिन्स हो गया, एग एंड मिल्क हो गया. ओके, प्रोटामिन्स हो गया, हिस्टोन्स हो गया, ग्लूटीन हो गया, ग्लूटीन ऑफ व्हीट, इसमें उसके भाई भी आ जाएंगे. एंड राइस में क्या था? ओराइजेइन इन राइस. याद है, कल ही हम लोग पढ़े थे, ओराइजेइन इन राइस, हॉर्डेइन इन बार्ली. पेट खराब होने से हम लोग खाते हैं. Zein in maize. तो ये सब सिंपल प्रोटीन्स है, केराटिन. ओके, एंड हॉर्न एटसेट्रा. ठीक है जी, तो ये सारे जो हैं, ये आपके सिंपल प्रोटीन्स हैं. तो इसका मतलब इसमें कोई भी एडिशनल ग्रुप या एलिमेंट या कंपाउंड नहीं होता है. नाउ जो सेकेंड कैटेगरी है वो बड़ा सा कैटेगरी है. So that is called क्या? So उसको हम लोग बोलेंगे क्या? Compound और conjugate proteins. Okay, compound और conjugate proteins. तो इसका मतलब क्या है?
they are made up of yeah they are made up of proteins plus some non protein groups. Okay, so they are made up of proteins and some non protein groups. Okay, इसका मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इसमें होगा. Understood? तो इसका अलग अलग examples हम ले सकते हैं. Okay, so they are of the following types. Okay, so they are of the following types. तो यहाँ हम लोग अलग अलग तरह का कॉन्जुगेट प्रोटीन लिखेंगे. Now always remember, जब हम लोग कॉन्जुगेट प्रोटीन लिख रहे हैं तो इसमें दो नाम आएंगे. ओके, तो ऑलवेज रिमेम्बर, जैसे कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, इसका दो नाम आ सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन या प्रोटियोग्लाइकेन. तो इसमें हम लोग यहां किसको पढ़ेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन. क्यों पढ़ेंगे? सो कार्बोहाइड्रेट कम है उसमें. यस, तो ऑलवेज याद रखेंगे, जब भी आपका माने कोई भी ग्रुप्स होगा, फाइन, तो ऑलवेज रिमेम्बर दैट उसमें कोई ना कोई आपका क्या, जो जब भी आपका कॉन्जुगेट नेम होगा उसमें ऑलवेज याद रखेंगे जो मेजर कंट्रीब्यूटर है वो उसका नाम पीछे होगा एंड जो माइनर कंट्रीब्यूटर है उसका नाम सामने होगा. अंडरस्टूड? जैसे ग्लाइकोप्रोटीन है, इसमें ग्लाइको सामने है तो इसलिए माइनर कंट्रीब्यूटर कौन है? कार्बोहाइड्रेट. एंड मेजर कंट्रीब्यूटर है प्रोटीन. तो जब मेजर कंट्रीब्यूटर प्रोटीन है तो उसको हम कहां पढ़ेंगे? प्रोटीन में. प्रोटियोग्लाइकेन में पीछे लगा है ग्लाइकेन, इसका मतलब ग्लाइकेन मेजर कंट्रीब्यूटर है, तो इसलिए उसको हम कहां पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स में. ओके, तो जस्ट लाइक दैट. तो यहां हमारे इतने सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे. सर बड़ा फॉन्ट, इसका बीच का कोई फॉन्ट. देखते हैं, तो इसमें जो आपका फर्स्ट टाइप है, जो फर्स्ट टाइप है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो जो फर्स्ट टाइप है उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन. ओके, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्रोटीन. मतलब ये क्या होगा? न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब क्या है? डीएनए प्लस प्रोटीन और आरएनए प्लस प्रोटीन. ठीक है, तो इट कैन बी डीएनए प्लस प्रोटीन और आरएनए प्लस प्रोटीन. ठीक है, तो ये आपका डीएनए प्लस प्रोटीन हो सकता है या आरएनए प्लस प्रोटीन होगा. तो इसमें प्रोटीन, उसको ब्रैकेट में लिख लेंगे. Now, जैसे आप स्टेनिंग करते हो, ओके, व्हेन यू आर स्टेनिंग डीएनए, तो एक्चुअली यू डोंट स्टेन द डीएनए, यू स्टेन द डीएनपी. ओके, तो इसलिए डीएनपी का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन. एंड आरएनपी का फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन. ठीक है, तो इसमें सेकेंड जो कंपाउंड है वो है क्रोमोप्रोटीन्स. ओके, दे हैव सम कलर्ड ग्रुप्स. ओके, दे हैव सम कलर्ड ग्रुप्स. तो उसमें जो एग्जांपल में आपका पहले आएगा फ्लेवोप्रोटीन्स. ओके, तो फ्लेवोप्रोटीन्स, तो फ्लेवोप्रोटीन्स ऑफ एंजाइम्स, इसमें क्या होता है? इसमें जो फ्लेविन है ये येलो कलर का होता है. ओके, तो इसीलिए जो आपका विटामिन बी टू है राइबोफ्लेविन,
उसका रंग पीला होता है। इसलिए जब आप एक्स्ट्रा विटामिन्स खाते हो तो आपका सुसु का रंग क्या होता है? पीला। अंडरस्टूड? सो दैट इज द कंसेप्ट। ओके, तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। चलिए, तो उसके बाद हीमोग्लोबिन जो है मैक्स, ओके, जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन को हम लोग कैपिटल एच स्मॉल बी लिखेंगे, कॉमा मायोग्लोबिन ऑफ आरबीसीज, कॉमा साइटोक्रोम एंजाइम्स एंड ऑफ ईटीएस, ओके, ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये कौन से कलर के होते हैं? रेड, क्योंकि उसमें आयरन होता है। ओके, उसी तरह रोडोप्सिन ऑफ आई हैज विटामिन ए, हीमोसाइनिन ऑफ ब्लड ऑफ क्या मलस्क्स, ये आर्थ्रोपोड नहीं होता है, मलस्क होता है, तो हीमोसाइनिन ऑफ ब्लड ऑफ मलस्क्स ये ब्लू कलर का होता है, ब्लू ड्यू टू क्यूप्रिक आयन, समझ रहे हो? तो उसी तरह से आ जाएगा इसका एग्जाम्पल फ्लैविन, ये सब ऊपर आ जाएंगे जो क्रोमोप्रोटीन्स। तो फ्लैविन जो है इसको हम इधर डाल देंगे येलो वाले में, ओके, तापरे हीमोग्लोबिन वाला नीचे ले आएंगे, हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन साइटोक्रोम ये सब रेड कलर का होता है, ओके, हीमोसाइनिन जो है वो आपका क्या ब्लू कलर का होता है एटसेट्रा, ठीक है जी। उसके बाद जो थर्ड कंपाउंड है उसमें मेटालोप्रोटीन्स आएगा, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज मेटालोप्रोटीन्स? ओके, मेटल आयंस प्लस ओके प्रोटीन्स, ओके, मेटल आयंस प्लस प्रोटीन, इसमें आपके बहुत सारे एग्जांपल आ जाएंगे, तो उसमें बहुत सारे एंजाइम्स आ जाएंगे, ओके, तो इसलिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये एक एंजाइम होता है, ये एंजाइम आप हमारा हम लोग पढ़ेंगे, ये फास्टेस्ट एंजाइम ऑफ आवर बॉडी होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज हैज ZN2+, ओके, उसी तरह फेरिटिन, ओके, फेरिटिन हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, मायोग्लोबिन हो गया, इसमें क्या होता है? Fe2+, ओके, फेरिट होता है, ठीक है जी। ओके, सो ये आपका नॉन प्रोटीन ग्रुप हो गया, ठीक है जी। तापरे आसी गला लिपोप्रोटीन, व्हाट इज लिपोप्रोटीन? लिपिड प्लस प्रोटीन, ओके, लिपिड प्लस प्रोटीन, तो ये सब आपको सेल मेम्ब्रेन्स में मिलेंगे, दीज आर प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन्स, ओके, ब्रेन, ब्लड, प्लाज्मा, सेरम एटसेट्रा। जो योक है, एग योक जो खाते हो, ये क्या होता है? ये भी एक फॉस्फोलिपिड होता है, ओके, द एग योक, तो दीज आर बेसिकली लिपोप्रोटीन। एक्चुअली इसमें जो एग्जांपल है हम लोग ये सब नहीं लिखेंगे, ये आपका लिपोप्रोटीन्स नहीं होगा, ये आपका उस तरफ चला जाएगा फॉस्फोलिपिड्स, ओके, तो इसलिए इधर उसको हम नहीं लेंगे, तो दीज आर प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन्स, बस इतना आप यह इसको लिख दे। उसके बाद ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स का मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन्स, ठीक है जी। सो दीज इंक्लूड म्यूसिन ऑफ सैलिवा, तो सैलिवा का जो लाड है वो आपका म्यूसिन है ऑफ सैलिवा, इसमें भी ये इधर नहीं लिखना चाहिए, ये सब प्रोटियोग्लाइकेंस होता है, कंफ्यूजिंग कर देता है, तो दीज इंक्लूड क्या लिखेंगे इधर हम लोग? मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, तो ये बेटर एग्जांपल है, तो दीज इंक्लूड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स,
ठीक है. नाउ जनरली प्रोटीन में फास्फोरस नहीं मिलता है, बट किसमें मिलता है? दे आर फाउंड इन कैसिनोजेन, कैसिनोजेन एंड कैसिन ऑफ मिल्क, उसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? पनीर. ओके तो कैसिन जो है वो इनसॉल्युबल होता है जिसको हम लोग खाते हैं, कैसिनोजेन जो होता है वो सॉल्युबल होता है, तो इसलिए आपको दिखता नहीं है. ओके अ लॉट ऑफ पीपल दे डोंट नो कि पनीर दूध से ही निकला, तो कैसे निकला? क्योंकि दूध में वो सॉल्युबल फॉर्म में था. एंड जब आप नींबू डालते हो क्या हो गया? एनीबॉडी कैन टेल हाउ कैसिनोजेन बिकेम कैसिन? आई विल बी वेरी हैप्पी. बताओ कैसिनोजेन कैसे कैसिन बना? फटाफट. फाइब्रिनोजेन कैसे फाइब्रिन बना? क्या हो गया प्रोटीन्स? बोलो. What has happened to the proteins? अब तुम नहीं बोलोगे, मैं भी नहीं बोलूंगा. बढ़िया है, छोड़ दो, ये घर में जाके पढ़ लेना स्कूल में. जल्दी सर. हाँ सर, गैस है. क्या है? हाँ बोलो. गैस. अबे गैस सर, कैसिनोजेन. हाँ बोलो. कैसिनोजेन कैसिन का इनएक्टिव फॉर्म है, तो उसको लैक्टिक एसिड. ना ना, लैक्टिक एसिड उस रिएक्शन. आपको मैं कल ही समझाया था, आप थोड़ा देखो. मैंने बोला ना, हर आंसर प्रोटीन स्ट्रक्चर में है, तो क्या गड़बड़ हो गया? क्यों जो चीज पहले सॉल्युबल था अभी इनसॉल्युबल हो गया? क्या गड़बड़ हुआ स्ट्रक्चर में? स्ट्रक्चर चेंज. क्या हो गया? एनी गेस? किस क्या से क्या हुआ बोलो? क्या से क्या हो गया? कैसिनोजेन सब प्राइमरी में कन्वर्ट हो गया. यस, तो कैसिनोजेन जो है इसको क्या कहते हैं? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स. तो जो कैसिनोजेन डीनेचर करके कैसिन बन गया, इट हैज लॉस्ट इट्स थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इट हैज लॉस्ट इट्स सॉल्युबल स्ट्रक्चर, तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स. समझ रहे हो? तो लाइक दैट. तो आपका आइदर थ्री, देखो कैसिनोजेन में हमें तो मालूम नहीं है कितना पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो वो आइदर 3 डिग्री होगा या 4 डिग्री होगा. समझ रहे हो कि नहीं? तो इसीलिए इन कैसिनोजेन टू कैसिन आइदर 3 डिग्री और 4 डिग्री से बन गया क्या? 1 डिग्री. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन. अंडरस्टैंड? सो दिस इज द केस. आ गया मजा? तो इसीलिए सेम थिंग आपका होता है. ओके तो आप समझ में आया व्हाट इज द फंक्शनल शेप का मीनिंग? अरे यस तो बोल दो. यस सर. अब तुम लोग का एक बढ़िया उपाय मैंने सोचा है, तुम्हारा मॉर्निंग क्लास में कैंसिल कर दूंगा बस. तो अब तुम लोग केवीपीआई स्कूल में पढ़ोगे और क्या? घर में या ट्यूशन? आकाश आकाश तो तुम्हारा है ही, वो लोग आपको केवीपीआई पढ़ा देंगे. तो मैं आपका क्लास कैंसिल कर रहा हूँ, केवीपीआई वाला. ओके क्यों बेकार है? मैं इतना मेहनत करूं, तुम लोग तो चुप ही रहेगा ना. कौन कहो चक्को? तो यू एग्री टू दिस और नॉट दैट यू शुड कैंसिल द केवीपीआई क्लास? नॉट एग्री. तो नहीं एग्री करने से फिर कैसे? नॉट एट ऑल. तो फिर तुम लोग तो बोलोगे नहीं तो कैसे होगा? अभी तुम्हारा मम्मी डैडी अगर साथ बैठ के क्लास देख रहे होंगे, वो मेरे पे हंस रहे होंगे, पागल खाली बकता रहता है बच्चे, वो चुप है बैठे. वो सोच रहे होंगे कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा, तो फिर मेरा तो बेइज्जती होगा ना.
चलिए नाउ व्हाट इज डिराइव्ड प्रोटीन. डिराइव्ड प्रोटीन का मतलब है प्रोटीन्स मेड फ्रॉम प्रोटीन्स, समझ रहे हो. तो इसीलिए जो थर्ड कैटेगरी है हमारा दैट इज सी, दैट इज व्हाट, उसको हम लोग कहते हैं डिराइव्ड प्रोटीन्स. ओके, तो इन डिराइव्ड प्रोटीन्स हम लोग क्या पढ़ेंगे, दीज आर प्रोटीन्स मेड फ्रॉम प्रोटीन्स. ओके, तो ये आप इसको बोल सकते हो, दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग प्रोटीन्स, या आप हम लोग ऐसे लिख सकते हैं प्रोटीन्स डिराइव्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग प्रोटीन्स. कैसे, नंबर वन आइदर बाय हाइड्रोलाइसिस, है कि नहीं, और बाय कोएगुलेशन, समझ रहे हो. जैसे जो केसिनोजेन से केसिन हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, कोएगुलेशन. तो सुनो, जो पनीर है वो भी एक फंक्शनल प्रोटीन है, जो केसिनोजेन है वो भी एक फंक्शनल प्रोटीन है. जो सपोज पनीर के केस में तुम लोग मना कर रहे हो, पर जो फाइब्रिनोजेन है वो एक फंक्शनल प्रोटीन है, समझ लो कि नहीं. तो फाइब्रिनोजेन एक फंक्शनल प्रोटीन है, क्यों, वो आपके ब्लड को बहने देता है. बट अगर कट जाए आपका उंगली उंगली, तो अगर बह गया ब्लड तो क्या होगा, बोलो, ब्लड लॉस, मर जाएंगे, है कि नहीं. तो इसीलिए फाइब्रिन भी एक फंक्शनल प्रोटीन, समझ में आया कि नहीं. तो इसलिए फाइब्रिनोजेन भी एक फंक्शनल प्रोटीन है, फाइब्रिन भी एक प्रोटीन है. तो इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड. तो इसीलिए जब आपका क्लॉट प्रोटीन बनता है वो आपका सॉल्युबल प्रोटीन से बना, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, डिराइव्ड प्रोटीन. नाउ तुमने खाया था मटन, फिर उसको ट्रिप्सिन ने हजम किया, फिर उसको पेप्सिन ने हजम किया, फिर इसको छोटे एंजाइम्स ने हजम किया, है कि नहीं. तो आप प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइज कर करके छोटा छोटा कर रहे हो, सो दैट इज कॉल्ड पार्शियल हाइड्रोलाइज. ओके, आइदर बाय पार्शियल हाइड्रोलाइज, इसको हम लोग डाइजेशन लिखने से समझ में आएगा. ओके ओके, और नंबर टू है भाई कोएगुलेशन. सो दीज आर द टू टाइप्स. ओके, दीज आर ऑफ टू टाइप्स. ओके, दीज आर ऑफ टू टाइप्स. तो मेटा प्रोटीन्स, तो मेटा प्रोटीन्स क्या बोल रहे हैं, दीज इंक्लूड एसिड एंड एल्कली. ओके ओके, एंड इसको हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं. दीज इंक्लूड एसिड और एल्कली मेटा प्रोटीन्स, प्रोटीओजेस, पेप्टाइड्स एटसेट्रा. सो दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम, हम लोग लिख सकते हैं इसको इतना ही लिखो बस. सो दीज आर डिराइव्ड by the partial hydrolysis, मतलब digestion of क्या, these are derived by the partial hydrolysis or digestion of natural proteins. Okay, natural in proteins during after digestion लिखने की जरूरत. Okay, so these are derived by partial hydrolysis or digestion of natural proteins taken in diet, right? Taken in diet. तो आप पनीर खाए वो पेप्टाइड बन गया, तो ये क्या हो गया, दीज आर कॉल्ड मेटा प्रोटीन. तो इसलिए डाइजेशन का जो एंड प्रोडक्ट है हम लोग पढ़ेंगे, ये हम लोग पढ़ चुके हैं टेंथ में, अगर आपको याद है अध्याय एंड ऑल, तो हम लोग पढ़े थे प्रोटीन, फिर स्टमक उसको बनाता है पेप्टोन, इंटेस्टाइन उनको बनाता है पेप्टोज, फिर बनता है पेप्टाइड्स, फिर बनता है डाइपेप्टाइड्स, फिर बनता है अमीनो एसिड्स. तो ये जो पेप्टोन्स है, ओके, तो इसको हम लोग यहाँ एग्जांपल लिख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए. सो एग्जांपल इज
प्रोटीन्स एरो बनाएंगे पेप्टोन्स ओके एरो उसके बाद पेप्टोसिस एरो पेप्टाइड्स एरो ओके उसके बाद डाइपेप्टाइड्स एरो अमीनो एसिड्स बन गया अमीनो एसिड्स ठीक है जी। उसके बाद जो सेकेंड कैटेगरी है दैट इज इसको हम लोग वन कर लेते हैं एंड इसको हम लोग कर देते हैं टू फाइन अंडरस्टूड। तो टू कोएगुलेटेड प्रोटीन्स तो दीज आर डीनेचर्ड और कोएगुलेटेड प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ फाइब्रिन formed from fibrinogen of blood. These are denatured or coagulated proteins. Okay? So, isme example likho seedhe. Fibrinogen okay? To fibrin. Fine? So, ye hamara example ho gaya. Kya? So this is the next type of classification of proteins. So humne kya dekha? That we can classify them into simple, we can classify them into compound, and we can classify them into derived. Understood? Aram se ghar mein dekhenge, jo doubt se kal puchhe. Fine. Ab hum log dusra type of classification mein chale jayenge. Okay? So ab usme hum log dekhenge classification on the basis of उनका नेचर माने उनका किस तरह का नेचर है तो उसको हम लोग कहेंगे प्रोटीन क्लासिफिकेशन ओके तो प्रोटीन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर माने एक्चुअली वो करते क्या हैं, ओके तो उसमें आपका अलग अलग कैटेगरी आ जाएगा तो उसमें आपका आ जाएगा फाइब्रस प्रोटीन ग्लोब्यूलर प्रोटीन एंड एक है इंटरमीडिएट प्रोटीन ठीक है जी। तो ये सब आपका स्ट्रक्चर आ जाएगा तो सो फाइब्रस प्रोटीन्स तो व्हाट आर फाइब्रस प्रोटीन्स So these are in the form of long fibers, which give strength, rigidity, or elasticity to extracellular or intracellular material. Okay. Now these are insoluble in water and are contractile in nature. These include बहुत सारे हैं तो आपका जो कोलाजेन है जो हम लोग मटन खाते हैं ना मटन इट इज मोस्टली कोलाजेन केराटिन केराटिन कहाँ मिलता है आपको हेयर्स एंड नेल्स इलास्टिन आपको जो गुलगुलू जब हम आद्या का गाल कैसे गुलगुलू 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 ऐसे करेंगे तो क्या होता है कनेक्टेड तो वो वापस शेप में आ जाता है अगर तुम अपना दादा दादी का ऐसे गाल को गुलगुलू कर दोगे वो बेचारा मुड़मुड़ा जाएगा क्यों इट हैज लॉस्ट इट्स इलास्टिसिटी ओके तो इसलिए इलास्टिन प्रोटीन आपको इलास्टिसिटी देता है इसका बेस्ट एग्जांपल है इलास्टिन प्रोटीन का क्या है मालूम है कैन यू गेस लिगामेंट्स तो इलास्टिन प्रोटीन का बेस्ट एग्जांपल है लिगामेंट्स ओके उसी तरह से फाइब्रिन प्रोटीन जो है फाइब्रिन कहाँ मिलता है आपको ब्लड ठीक है फाइब्रोइन आपको कहाँ मिलता है सिल्क स्पाइडर सिल्क ठीक है उधर आपको फाइब्रोइन मिलता है इवन आपका जो एक्टिन है एक्टिन एंड मायोसिन तो इसमें आपका जो एक्टिन है एक्चुअली मायोसिन इसमें नहीं लिखना चाहिए क्योंकि मायोसिन ये मिक्स्ड वाले में आएगा तो इसमें हम लोग एक्टिन लिखेंगे एक्टिन और मसल्स
तो ये जो इसमें दो प्रकार का होता है एक्चुअली, इसको हमें एफ एक्टिन लिखना पड़ेगा, फिलामेंटस एक्टिन। तो ये फाइब्रस होता है, जो ग्लोबुलर एक्टिन है वो इधर आ जाएगा, ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, अब सेकेंड कैटेगरी आ जाएगा हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन। तो दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन हैव पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल्ड अबाउट देमसेल्व्स टू फॉर्म सेकेंड मॉलिक्यूल। ये गोल 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 फाइब्रस रिच इन कौन सा एसिड, बोलो फाइब्रस प्रोटीन कौन सा स्ट्रक्चर, रिच इन अल्फा हेलिक्स, याद है कि नहीं, अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो जिस प्रोटीन में ज्यादा मतलब दलवाना ना अल्फा हेलिक्स है उसको हम लोग कहते हैं क्या, ये। तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स में क्या होगा, रिच इन बीटा प्लीटेड शीट्स, समझ आया। चलिए तो उसके बाद तो ये आ जाएगा आपका, तो दे आर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल एंड हैव ए टर्शियरी स्ट्रक्चर, कोई जरूरी नहीं टर्शियरी और क्वार्टरनरी भी हो सकता है, क्यों, अगेन डिपेंड करता है वन और मोर देन वन। टर्शियरी का वन चेन, क्वार्टरनरी का मोर देन वन चेन। ठीक है जी, तापरे स्मॉल ग्लोबुलर प्रोटीन्स रिच एज हिस्टोन्स आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर and not coagulated by heat. Okay? Large globular proteins are insoluble and are coagulated by heat. जैसे अंडा है, अंडा को अगर आप पानी में घोल दोगे तो डिसॉल्व करता है थोड़ा थोड़ा, बट अगर उसको उबाल दोगे तो वो कोएगुलेट करके ऑमलेट बन जाता है कि नहीं, किंतु जो आपका हिस्टोन है वो कोएगुलेट नहीं करता। Okay? इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा एग एल्ब्यूमिन, सेरम ग्लोबुलिन। सेरम में कौन कौन सा ग्लोबुलिन होता है याद है, इसको मैं पेन से लिखूंगा। ओके, अल्फा बीटा गामा तीनों होता है। तो हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी कॉमा मायोग्लोबिन इन मसल्स, ओके, ग्लूटीन ऑफ व्हीट एटसेट्रा एटसेट्रा एंड ओराइजेइन ऑफ राइस। ओके, कांग्या ओराइजेइन ऑफ राइस एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद इंटरमीडिएट प्रोटीन्स क्या है, ओके, तो इंटरमीडिएट प्रोटीन्स में मिक्सचर होता है। ओके, so they have neither fibrous nor globular totally. Okay, comma they may be intermediate form or have both forms. Okay, आइदर तो वो बीच के होते हैं या दोनों साथ होते हैं, और हैव बोथ फॉर्म्स या बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें जो सुंदर एग्जांपल होता है दैट इज मायोसिन। तो मायोसिन जो है, ओके, विद 79 इज नॉट फाइबर बट अज्यूम्स, तो इसको हम लोग इतना नहीं लिखेंगे। तो मायोसिन जो है it has a globular head and a fibrous tail. So iska more details in muscle contraction chapter. Okay, to isse zyada details hum log muscle contraction chapter mein padhenge. Okay, नाउ फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन इज ए सॉल्युबल प्रोटीन दैट फॉर्म्स इनसॉल्युबल फाइब्रिन। तो फाइब्रिनोजन जो है ये ग्लोब्यूलर होता है, बट फाइब्रिन जो है
ये फाइब्रस होता है. ओके, सो दिस इज द अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन. बोले बोले. हाँ पूछो, कुछ पूछना है? एनीथिंग एल्स यू नीड टू आस्क? बनाना किस चीज पर बोला? देख लो बनाना कोड़ा सी. और कुछ पूछना है बोलो. ऐसा हाँ बोलो. हाँ सॉरी सॉरी बोलो. इंटरमीडिएट प्रोटीन्स में इंटरमीडिएट फॉर्म का मतलब? इसका मतलब वो दोनों के बीच का होगा, मींस ना तो वो पूरा ग्लोबुलर होगा ना ही फाइब्रस होगा, या दोनों का मिक्सचर होगा. समझे हो? ना तो वो गोल होगा ना फाइब्रस होगा, या दोनों ही होगा. तो ऐसे चलिए. तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, नाउ इज फिनिश्ड, प्रोटीन इज ओवर. ओके, तो प्रोटीन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर. तो ये जो एसिडिक प्रोटीन्स है दे आर रिच इन एसिडिक एमिनो एसिड्स. ओके, लाइक कौन सा? They are rich in acid amines like, bolo, aspartic acid and glutamic acid. तो अगर आपने बहुत सारा aspartic acid और glutamic acid ले लिया है तो आपका protein acidic बन जाएगा. उसका example है blood proteins. Basic proteins क्या है? They are rich in basic proteins. They are rich in kya? Basic amino acids like kya? Lysine, comma arginine, comma kya? Lysine, arginine and histidine. Fine. So iska best example hota hai histones, कॉमा पॉलीअमीन्स, कॉमा प्रोटामीन्स. अंडरस्टूड? अब जैसे हम लोग डीएनए है, डीएनए इज हाईली नेगेटिवली चार्ज, तो हाउ टू न्यूट्रलाइज इट? तो हम उसको हिस्टोन से बाइंड करते हैं. समय तो इस तरह से. बट बैक्टीरिया में हिस्टोन होता ही नहीं है, तो क्या किया जाए? तो इसीलिए उसमें हम लोग क्या करते हैं? पॉलीअमीन्स प्रोटामीन्स यूज करते हैं. फैंटास्टिक. तो आपका लेक्चर कटने वाला है कभी ना कभी. वी विल रीजॉइन एंड विल रीस्टार्ट, विल स्टार्ट लिपिड्स. तो आपका ये प्रोटीन टॉपिक फिनिश्ड. आई विल बी टेकिंग अ ब्रेक फॉर द रिकॉर्डिंग एंड उस समय आपका बहुत सारा मैं सेंड कर दूंगा स्नैपशॉट्स. We have a new girl, Ayushi Mahapatra. I hope you know. We will rejoin, okay? So, isliye just wait for 5 minutes. You will again get ID pass. ठीक है? ये कभी ना कभी कट जाएगा, इसलिए कुछ ना कुछ पूछते रहो. Ayushi Mahapatra, any problem in understanding today? No, sir. समझ में आया? Actually, एक बीच का टॉपिक था आपके लिए. बट जो लिपिड्स है, वी विल स्टार्ट, इट्स अ न्यू टॉपिक. तो आप लिपिड से ध्यान देना शुरू करिए एंड लिखना शुरू करिए. डोंट बॉदर अबाउट राइटिंग, कुछ छूट गया तो आई विल बी सेंडिंग यू स्क्रीनशॉट्स. ओके, चलो और बोलो. आत्मा, एनी डाउट? यस सर, डाउट है सर. बोलो सर. हमारा वो सर स्ट्रक्चर में ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी सर क्वार्टरनरी का सबसे ज्यादा, उसके बाद टर्शियरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी होता है ना सर. हाँ. तो फिर भी सर डीनेचुरेशन में सेकेंडरी टर्शियरी क्वार्टरनरी टूट जाते हैं पर प्राइमरी बच जाता है, ऐसे कैसे सर? अरे वो जीरो स्ट्रक्चर है, समझ रहे हो आप? जैसे बहुत कंपनीज क्या करते हैं, आजकल तूड़ा मिलता नहीं है, कॉटन इज ए फेलियर नाउ. ओके, तो हाउ डू वी मेक कॉटन नाउ?
हम लोग पुराने कॉटन कपड़ा को अगेन रिसाइकल करके कॉटन बनाते हैं. अंडरस्टैंड? तो इसलिए प्राइमरी इज द बेसिक स्ट्रक्चर. आप वहीं से उठे हो, उससे टूटने का मतलब डाइजेशन. समझ रहे हो? आप जैसे हम लोग खाएंगे, सपोज मैं मटन खाऊंगा तो अब वो तो पूरा अमीनो एसिड बन जाएगा ना. तो इसलिए जैसे मैं अभी, तू बड़े बदमाश आत्मन, आई विल किल यू टुडे. आज तेरे को मैं उबाल डालूंगा. तो जब मैं तेरे को उबाल डालूंगा तो फिर जो आधे आप बोलते क्या सर आप जब तक गुस्सा करते हो, अच्छा लड़का है उसको माफ कर दो. तो आद्या माफ किया, उसको फ्रिज में डाल के ले आओ. तो जब मैं तेरे को फ्रिज में डाल के ले आऊंगा तो क्या तू वापिस आ जाएगा? माने फर्स्ट यू विल बी बॉइल्ड, देन यू विल बी कूल्ड. तो इज आत्मन बैक? नो सर. व्हाई नॉट? नो सर. बिकॉज योर प्रोटीन्स हैव डीनेचर्ड. समझ में आया? एंड प्रोटीन रीनेचर नहीं करता, पर जब हम डीएनए पढ़ेंगे डीएनए रीनेचर कर जाता है. तो समझ रहे हो? इसलिए इन द लॉन्ग रन नेचर ने डीएनए को जेनेटिक मटेरियल के रूप में सिलेक्ट किया. अंडरस्टूड? और बोलो, आज कौन कटू नहीं? 49 मिनट्स हो गया, कट नहीं रहा क्या? मुझ पे रहम खाके वो लॉन्गर वर्जन दे दिया क्या? हाँ बोलो. आपने पे कर दिया होगा. 9 मिनट सॉरी चाहिए था. हाँ बोलो. हाँ सर, टाइम लिमिट इज नॉट देयर एनीमोर. ना अभी नहीं है अपने टाइम लिमिट न्यूज़ रूम में. सर न्यूज़ रूम नहीं सर, कभी-कभी होता है कि वो देते हैं आपको ऐसे ही, मतलब ये सर इट विल सेंड अ मैसेज इन बिटवीन द मीटिंग दैट द टाइम लिमिट इज नॉट देयर एनीमोर. चलो ठीक है, बट आई विल बी क्लोजिंग दिस मीटिंग. वी विल रीजर्व. ये बहुत बड़ा हो जाने से फिर अपलोड करने में मुश्किल होगा. Because I'm now trying to load the videos in YouTube so that आप बाद में जाके देख सको जिसने मिस किया. Okay? तो इसलिए I will be deliberately deleting the and we will rejoin after recording break of 5 minutes. Okay? अब तुम्हारा डाउट नहीं है तो we will rejoin. Okay? Bye. आयुषी महापात्र, you will rejoin after 5 minutes. Okay?